यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी फूड किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इन्हें बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तामझाम करने की भी जरूरत नहीं होती, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम कश्मीरी दम आलू बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए मैंने दही लिया है, उसके अंदर हम सौंफ का पाउडर डालेंगे। मैंने सौंफ का मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया था। भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट से हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होती है। अब मैंने गैस के ऊपर पैन रखा है, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। हमें मस्टर्ड ऑयल ही लेना है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मस्टर्ड ऑयल की स्मेल ना आए, इसके लिए इसे हमें तेज़ गर्म करना है। तेज़ गर्म हो जाने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे और नमक भी डालेंगे। नमक भी हमारी मस्टर्ड ऑयल की स्मेल को दूर करता है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। जीरा भून चुका है, अब हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसे सौटे कर लेंगे। 4 से 5 लोगों को मैंने दरदरा कर लिया था, वो भी डाल देंगे। इस टाइम पर हमारा ऑयल थोड़ा कम गर्म होना चाहिए, क्योंकि हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, वरना ये जल जाएगी। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। अब हम इसके अंदर रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे, इससे हमारी ग्रेवी अच्छी थिक बनकर तैयार होगी। इसे भी भुनने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और इसे हम सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। अब हम इसके अंदर काजू का पाउडर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो हमारी ग्रेवी रिच लुक में लगेगी। थोड़ा पानी डाला है टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब हम इसके अंदर जो हमने दही का पेस्ट बनाया था वो धीरे धीरे करके डालेंगे और चलाते रहेंगे। इस पेस्ट को हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे और लगातार चलाते भी रहेंगे। कुछ देर तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ग्रेवी गाढ़ी या पतली जैसी आपकी आपको रखनी हो पानी, आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे उबाल आ जाने तक पकाएंगे। उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। जब तक ये थोड़ी और पकती है, हमने आलू लिए हैं, मैंने ये बोल किए आलू लिए हैं, इनको टूथपिक की सहायता से छेद कर लेंगे। छेद करने से जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो हमारी ग्रेवी अंदर तक जाएगी और हमारे आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कच्चे आलू लेकर उन्हें पिक कर सकते हैं और फिर उन्हें फ्राई करके इस ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। इन्हें अब हम ग्रेवी में डाल देंगे। ग्रेवी में डालने के बाद इन्हें थोड़ा चला देंगे। चलाने के बाद इसे 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 8 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। आपने देखा होगा मैंने पहले नमक नहीं डाला था। नमक डालने के बाद इसे मिला देंगे और फिर से हम इसे ढक कर 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हमारी कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार है। हम इसे चला देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा गर्म मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने ग्रेवी को थोड़ा थिक ही रखा है, आप चाहें तो पतला भी रख सकते हैं। ये आलू बन चुके हैं, हम इन्हें उतार लेंगे और इन्हें हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।